वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। मेहंदी लगाना हर कोई पसंद करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये तामझाम की चीज़ लगती है। मींस इसे लगाने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है या बहुत लंबी प्रोसेस होती है। जी हाँ, लेकिन केमिकल डाई से बहुत ही अच्छा होता है मेहंदी लगाना। ओके, अगर आपके प्री मैच्योर ग्रे हेयर हो, थोड़े बहुत व्हाइट हेयर हो, अगर आप बालों को कलर देना चाहते हो, नेचुरली कलर देना चाहते हो, ब्लैक करना चाहते हो, रेड करना चाहते हो, ऑरेंज बर्गंडी शेड देना चाहते हो, चॉकलेट ब्राउन कलर देना चाहते हो, तो मेहंदी के साथ आप ये सब एक्सपेरिमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी मेहंदी। ओके, मेहंदी तो मैं हमेशा लगाती हूँ, मेरे ग्रे हेयर है तो मेहंदी मैं अलग अलग ब्रांड की हमेशा ट्राई करती हूँ। 10 to 15 डे के गैप से मैं हमेशा मेहंदी लगाती हूँ, तो मेहंदी का ब्रांड हमेशा चेंज करती हूँ। तो और जो ब्रांड मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे बालों पर इफेक्ट दिखाता है, उसका वीडियो मैं आपके लिए बनाकर लाती हूँ। तो इस बार मैंने ट्राई की थी नॉरवर्ल्ड की ये मेहंदी, बिल्कुल केमिकल फ्री है। मीन्स इसमें कोई केमिकल नहीं है, 100% नेचुरल मेहंदी है। और इसे आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से लगा सकते हो। अगर आप सिर्फ बालों को कंडीशन करना चाहते हो तो नॉर्मली भी आप इसे लगा सकते हो। अगर आपको बालों को काला करना है तो आप रात को भिगो कर, मीन्स लोहे की जो कड़ाई होती है उसमें भिगो कर भी आप इसे लगा सकते हो। इसे मैंने किस तरीके से लगाया है आगे वीडियो में आप देखने ही वाले हो, वीडियो को कहीं स्किप मत करिए। लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी, अगर आप नेचुरल नो पैराबेन फ्री नो केमिकल फ्री कोई मेहंदी लगाना चाहते हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। इसका लाइव रिजल्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वीडियो में बने रहिए, कहीं स्किप मत करिए। तो ये है नॉरवर्ल्ड की ग्रीन मेहंदी, हर्बल एंड नेचुरल, और इसमें कोई केमिकल नहीं है। अगर आप इसे यूज़ करती हो तो आपके बालों पे इसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। मैं हमेशा मेहंदी यूज़ करती हूँ और मैंने भी इसे यूज़ किया है। ये आपको जो मेहंदी होती है ग्रीन मेहंदी, मीन्स नेचुरल प्योर ग्रीन मेहंदी जो होती है उससे इसे बनाया गया है, और इसमें कोई मिलावट नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कोई मिलावट नहीं, जैसे कई सारी मेहंदी में आंवला, शिकाकाई, रीठा, इस तरीके के जो हर्ब होते वो होते हैं, लेकिन इसमें कोई नहीं है। तो इसमें सिर्फ ग्रीन मेहंदी है और मेहंदी के जो लीफ होते वही है। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये 100 ग्राम आपको 75 रुपीज़ में मिल जाएगी। मीन्स बहुत ही अच्छा डील है ये, बहुत ही आपको सस्ती मिल रही है इतनी अच्छी प्योर मेहंदी। अगर आप मेहंदी लगाना पसंद करते हो बालों को, और जैसे मैं लगाती हूँ, हमेशा लगाती हूँ, इसके लिए मैं ब्रांड हमेशा चेंज करती रहती हूँ। इस बार मैंने नॉरवर्ल्ड का ग्रीन मेहंदी लगाया। जैसे मैं मेहंदी लगाती हूँ हमेशा मैं मेहंदी चेंज करती रहती हूँ, इस बार मैंने ये मेहंदी लगाई और मुझे इसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा मिला। आप चाहे तो इसे कलर करने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं, या सिर्फ अगर आपको कंडीशन करनी है तो उसकी तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। या मेहंदी इंडिगो लगाते हो तो उसकी जगह आप मेहंदी की जगह इसे भी लगा सकते हो, इससे भी आपके बालों पर बहुत ही अच्छा कलर आएगा। मेहंदी बालों को कलर ही नहीं देती है, तो बालों की हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही में मेहंदी डैंड्रफ को जड़ से हटा देता है, मीन्स आपकी स्काल्प को क्लीन कर देता है। तो चलिए मैं आपको मेहंदी दिखाती हूँ किस तरीके से ये मेहंदी है और इसका कलर किस तरीके से है। तो आप यहाँ देख सकते हो जो मेहंदी का जो कलर है, नॉर्मल मेहंदी का कलर जिस तरीके से होता है उसी तरीके से है, कुछ अलग इसमें है नहीं। और मेहंदी ग्रीन कलर की होती है तो पूरी तरीके से बहुत अच्छा ग्रीन कलर है इसका। इसे मैं भिगोकर भी आपको दिखाऊंगी और लगाने का तरीका भी मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मैं हमेशा मेहंदी लगाती हूँ और मैं हमेशा ब्रांड चेंज करती हूँ, और जो मेहंदी मुझे अच्छी लगती है उसका मैं रिव्यू बनाती हूँ, मीन्स वीडियो बनाती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे मैं आपको भिगो के दिखाती हूँ किस तरीके से मैं भिगोने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, वीडियो को कहीं स्किप मत करिए। तो चलिए हम इसे भिगाते हैं। तो यहाँ मैं मेहंदी भिगोने वाली हूँ। तो आप अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई हो, अगर आपको बालों को काला कलर देना है तो आप लोहे की कढ़ाई में भिगो सकते हो अच्छे से। मैं बहुत टाइम इसी लोहे की कढ़ाई में मेहंदी भिगोती हूँ और बालों को एक ब्लैकिश शेड देती हूँ। लेकिन इस बार मैं लोहे की कढ़ाई में नहीं भिगोने वाली, इस बार मैं नॉर्मल कलर देना चाहूँगी मेरे बालों को। थोड़ा सा रेडिश ऑरेंज चाहिए मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे बालों पर मेहंदी का कलर है और थोड़े बहुत रूट्स आ चुके हैं, तो उन्हें मुझे थोड़ा कलर देना है बस। इसलिए हमें चाहिए चाय का पानी। ये देखिए चाय का पानी, मीन्स सिर्फ आपको चाय पाउडर डालनी है और पानी को उबाल लेना है और उसे ठंडा कर लेना है। गर्म पानी बिल्कुल यूज़ मत करिए। अगर आप गर्म पानी यूज़ करोगे तो जो मेहंदी होती है कलर नहीं देगी अच्छे से। क्या होता है, मेहंदी का जो कलर होता है अगर आप गर्म पानी डालते हो तो उसमें कलर नहीं आता है, तो आपको ठंडा कर लेना है। आप चाहे तो इसमें कॉफ़ी भी मिला सकते हैं,
और ये इस तरीके से पानी है तो आप देख सकते हैं, पानी है तो आपको इसमें शक्कर नहीं डालनी, सिर्फ चाय पाउडर उबालनी है और आपको ये मेहंदी मिक्स करनी है। आपको जितनी मेहंदी चाहिए उतनी आप ले लीजिए आपके बालों के लेंथ के हिसाब से। तो यहाँ मैं लेने वाली हूँ, मेरे बालों पे जितनी चाहिए उतनी मैं लेने वाली हूँ। और मेहंदी का कलर भी बहुत अच्छा है और साथ में इसका जो फ्रेग्रेंस है मीन्स सुगंध भी बहुत अच्छे से आ रहा है, जो नॉर्मली मेहंदी में नहीं आता है इसमें बहुत अच्छे से आ रहा है। मीन्स पे जो भी लीफ यूज हुई है मेहंदी की ग्रीन लीफ, बहुत ही अच्छे से इसका सुगंध आ रहा है। तो नॉर्मली मैं इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। बहुत तरीके होते हैं मेहंदी मिक्स करने के, ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में शेयर किए हैं। मेहंदी अलग अलग तरीके से आप भिगो सकते हो अगर आपको अलग अलग कलर चाहिए तो। एक नेचुरल हेयर डाई है मेहंदी, तो अगर आपको नेचुरली बालों को कलर करना है तो आप प्लीज़ मेहंदी को ज़रूर यूज़ करिए। मेहंदी बालों को कंडीशन भी देता है, हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और बहुत सारे लोगों को मिथ्स होते हैं कि मेहंदी लगाने के बाद बाल गिर जाते हैं, हेयर फॉल होता है, तो नहीं, जो ऑलरेडी डेड हेयर होते हैं वही आपके हेयर फॉल हो जाते हैं। तो अच्छे और एकदम मजबूत हेयर बिल्कुल हेयर फॉल नहीं होते हैं, क्योंकि मैं बहुत सालों से मेहंदी लगाती हूँ तो इसके लिए मुझे मालूम है। और मैं कौन सा भी हेयर डाई यूज़ नहीं करती हूँ, मीन्स केमिकल वाला, मेहंदी इंडिगो या जो मेरे हेयर पैक होते हैं वही मैं यूज़ करती हूँ। तो आपको थोड़ा सा मीडियम साइज़ का ही पेस्ट बना लेना है, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, आप अच्छे से लगा सके इतना पेस्ट आपको चाहिए। तो इसे मिक्स कर लूँगी इस तरीके से ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, एकदम स्मूथ आपके पेस्ट बन जाए। ओके, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है, थोड़े से इसमें गुठलियाँ है, लम्स है, तो बाद में हम इसे और फेंटेंगे। और इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ लेमन। जी हाँ, लेमन भी आपके बालों को बहुत ही अच्छा कलर देता है, तो इसमें मैं हाफ लेमन ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने हाफ लेमन लिया है, आप हाफ ही लेमन लीजिए, इतनी मेहंदी में इनफ है। ओके, और अच्छे से इसका जो रस है इसमें निचोड़ लीजिए। और इसे आपको अच्छे से मिक्स करके आपको क्या करना है, आपको इसे ओवरनाइट रख देना है। ओके, ओवरनाइट क्यों रखते हैं, ताकि मेहंदी को अपना कलर देने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सेटल हो जाए मेहंदी तो बहुत ही अच्छे से कलर देती है, जो आपको चाहिए वो कलर आपको मेहंदी देती है। इसकी जो गुठलियाँ है उसे थोड़ा सा मैं मिक्स करती हूँ, अच्छे से इसे फेंट लेती हूँ ताकि हमारी स्मूथ पेस्ट बन जाए। यहाँ मैंने मेहंदी को फेंट लिया है और जितना मैं स्मूथ पेस्ट बना सकती थी उतना मैंने बना लिया है। और इतने अगर लम्स हो, इतनी गुठलियाँ हो तो इट्स ओके, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग भी हम इसे बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स करने वाले हैं। और इसको रात भर भिगोने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग इसमें मैं बहुत ही अच्छा एक इन्ग्रीडियंट डालने वाली हूँ, जिसकी वजह से आपके बाल स्मूथ, सिल्की, शाइनी हो जाएगा, एक चमक नेचुरली आएगा आपके बालों में और बहुत ही अच्छे आपके बाल दिखने लग जाएंगे। तो इसे मैं क्या करने वाली हूँ, अभी अच्छे से इसे कवर करके मैं रख देने वाली हूँ। आप चाहे तो जो प्लास्टिक का पेपर आता है उसे भी आप इसे ढककर अच्छे से रख सकते हो, और नहीं तो नॉर्मली इस तरीके से आप रख दीजिए। आपको इसे रखना है ओवरनाइट। ओके, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम मिलते हैं। मॉर्निंग मेहंदी इस तरीके से हो जाएगी। ओके, तो ये भीग चुकी है और इसमें एक चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ, वो है एग। एग मिलाने से बालों को कंडीशन मिलता है, साथ ही में बाल आपके स्मूथ सिल्की बन जाते हैं और बालों को एक नरिशिंग भी प्रोवाइड हो जाता है। तो अगर आप एग योग जो होता है उसे डालना नहीं चाहते तो आप नहीं डाल सकते, या आप पूरा एग भी डाल सकते हैं, इससे कोई स्मेल नहीं आती है। मेहंदी में अच्छे से ये मिक्स हो जाता है और कोई स्मेल नहीं आती है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बालों पे अप्लाई कर लेंगे। इसे लगाने के बाद 3 घंटा आपको आपके बालों पे रखना है, या सिर्फ कंडीशन के लिए आप रखना चाहते हो तो 1 आवर इनफ है। ओके, 3 आवर्स आप बालों पे इसे रखना है। तो इसकी स्मूथ पेस्ट बन चुकी है और जितने भी लम्स थे, गुठलियाँ थी, तो पूरी तरीके से निकल चुकी है और एक बहुत ही अच्छे से फाइन पेस्ट बन चुकी है। इसे मैं अप्लाई कर लूँगी और 3 घंटा बालों पे रखूँगी, बाद में वॉश कर दूँगी। अगर आप इंडिगो लगाना चाहते हो तो आप इसमें मिक्स करके भी लगा सकते हो, या इसे लगाने के बाद, वॉश करने के बाद आप डायरेक्ट इंडिगो लगा सकते हो। तो चलिए इसे लगा लेती हूँ।
तो यहाँ मैं लगाने वाली हूँ मेहंदी। मेहंदी आप अलग अलग तरीके से लगा सकते हो, मीन्स पार्टीशन करके लगा सकते हो, डायरेक्टली ब्रश से भी लगा सकते हो और ग्लव्स पहन के हाथों से भी लगा सकते हो। तो मैं हर तरीके से लगाती हूँ। इस बार मुझे सिर्फ रूट टचअप करना था, जो फ्रंट साइड के बाल होते थोड़े से ग्रे रूट्स आए थे तो उन्हें टचअप करना था, इसलिए मैंने ब्रश से लगाया। नॉर्मली मैं हाथ से लगाती हूँ और पार्टीशन कर करके मैं लगाती हूँ। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके पूरे बालों को मेहंदी बहुत ही अच्छे से लगती है और आपको मीन्स कलर अलग अलग नहीं दिखता है, एक सेम जैसा कलर दिखता है आपके बालों का। और यहाँ ज़्यादा बाल वाइट नहीं हुए हैं। 15 to 10 डेज के गैप से मैं हमेशा लगाती हूँ, भले ही रूट्स आए ना आए, बालों के बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ जाता है और साथ ही में आपके बाल कंडीशन हो जाते हैं। इसकी वजह से बाल मजबूत होते हैं, बालों में एक शाइनिंग बरकरार रहती है और नेचुरली आपका कलर जो होता है बालों का वो भी बहुत ही अच्छा दिखता है। आप भी इस तरीके से 15 या 10 डेज के गैप से मेहंदी लगाया करें। मुझे मेहंदी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिला है। अगर आप मेहंदी लगाना पसंद करते हो, केमिकल डाई से परेशान हो चुके हो, तो इस डाई को ज़रूर ट्राई करिए, मीन्स इस मेहंदी को ट्राई करिए। आप इसे एज ए डाई भी लगा सकते हो, बालों को कवर करने के लिए, बालों को शेड देने के लिए, अलग अलग तरीके का शेड देने के लिए या कंडीशनर के लिए भी आप मेहंदी यूज कर सकते हो। मेहंदी आपको कभी भी नुकसान नहीं देती है, देती है तो फ़ायदा ही देती है, लेकिन ट्रस्ट के साथ, थोड़ा पेशेंस के साथ आप मेहंदी को यूज करिए। नॉर्मल की जो मेहंदी है बहुत ही अच्छी है, मैंने खुद ट्राई की है और आप मेरे बालों पर इसका रिजल्ट देख ही रहे होंगे। थोड़े ग्रे हेयर है तो उन्हें मुझे छुपाने के लिए, उन्हें कवर करने के लिए मैं हमेशा मेहंदी इंडिगो यूज करती हूँ और कभी कभी मेहंदी भी लगा लेती हूँ। सिर्फ मेहंदी लगाने के बाद भी मेरे बाल बहुत ही अच्छे से कवर हो जाते हैं, तो इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। तो आप भी ज़रूर इसे ट्राई करिए। वीडियो कैसे लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दे जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।